गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी कंप्लीट द ड्राइंग ऑफ बेबी भालू। आज हम बेबी भालू के ड्राइंग को कंप्लीट करेंगे और उसमें कलर करेंगे। ठीक है, बेबी भालू आप लोग ने देखा है बेटा? देखा है? कहाँ देखा है? टीवी पे देखा होगा, है ना? ओके, ये क्या है? बेबी भालू और कलरफुल फ्लावर। ओके, एंड व्हाट इज दिस बेटा? दिस इज मशरूम। इसको क्या बोलते हैं जानते हैं आप लोग? मशरूम बोलते हैं इसको, है ना? फिर अब आपको क्या करना है? अभी तक अपन ने क्या किया है, पिक्चर्स को कैसे कंप्लीट कर रही है, डॉटेड लाइन को ज्वाइन करके, है ना? इसमें भी आपको डॉटेड लाइन को ज्वाइन करना है, बेबी भालू को कंप्लीट करना है, फ्लावर्स को कंप्लीट करना है, लीव्स को कंप्लीट करना है और मशरूम को कंप्लीट करना है। ठीक है, इस प्रकार से ये जो आपकी ड्राइंग पिक्चर्स है इसके डॉटेड लाइन को आपको मिलाना है। चूँकि अपन काफ़ी सारी ड्राइंग्स बना चुके हैं, है ना, डॉट को ज्वाइन करके, तो आपकी प्रैक्टिस ऑलरेडी हो गई होगी। हो गई ना बेटा? यस, ओके, सो कैन वी स्टार्ट? चलिए, आप भी बुक पेज नंबर ओपन कर लीजिए 12 एंड 13। ओके, और डॉट को अपन मिलाते हैं, ज्वाइन करते हैं। ओके, इस तरह से अपन डॉट्स को ज्वाइन करेंगे बच्चे। अब ये जो वाली पिक्चर है क्या है, ये काफ़ी बड़ी है। क्यों? क्योंकि इसमें बेबी भालू भी है, इसमें फ्लावर्स भी है, इसमें मशरूम भी है, है ना? तो आपको इसमें आप कलरफुल बहुत सारे कलर आप इसमें फिल कर सकते हैं। ठीक है, लीप भी है। लीप किस कलर की होती है? जनरली ग्रीन कलर की होती हैं, है ना? ओके, और जो भालू होता है वो ब्लैक कलर का होता है, बट इसमें ब्लैक कलर फिल नहीं करना है आपको, इसको आप इसमें पेंसिल कलर भी फिल कर सकते हैं। ओके बेटा, क्योंकि यह है पेंसिल कलर से ही फिल है, ये देखिए। फिर आप यदि ब्लैक कलर फिल करेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप इसमें ये पेंसिल कलर से ही फिल कर सकते हैं और उसके बाद इसमें आप ये शेडेड कर सकते हैं, लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं। ओके बेटा, चलो नाउ अब हमने यहाँ पे बेबी भालू को तो ज्वाइन कर लिया डॉट्स को, उसके बाद हम यहाँ पे उसके पैर के नीचे लीव्स ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है बच्चा, आप प्रैक्टिस करिए। हाँ, प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे बन जाएगा धीरे धीरे ऐसे। इस प्रकार से आप इसको भी चाहे तो आप डॉट डॉट करके बना सकते हैं, ऐसे डॉट डॉट करके आप इसको लीव्स को भी ड्रॉ कर सकते हैं। हम ये छोटे छोटे डॉट्स बना के जिससे जो अपनी पिक्चर है उसका शेप अच्छा आ जाता है, ये है ना। अब इसको हम ज्वाइन कर देते हैं डॉट्स को इस प्रकार। अब यहाँ पे आपको ग्रीन कलर फिल करना है, लाइट ग्रीन कलर। ओके बच्चा ना, अब यहाँ पे आप ऐसे ऐसे शेडेड कर सकते हैं। आपको बेबी भालू को कैसे फिल करना है? पेंसिल से ही। ठीक है, अब हम फ्लावर्स को ज्वाइन करेंगे। इस प्रकार से हम फ्लावर्स के डॉट्स को आपस में मिलाएंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ कंप्लीट द ज्वाइन द ऑल द डॉटेड्स एंड
कंप्लीट द पिक्चर्स। अब इस प्रकार से अपनी पिक्चर्स क्या हो गई हैं, पिक्चर कंप्लीट हो गई है ना। अब इसमें हम कलर फिल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बच्चों आपसे कलर फिल तो करते बनता है ना। आप कौन से कलर यूज कर रहे हैं, पेंसिल कलर, मोम कलर, है ना। ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार ये हमने मशरूम को भी पिक्चर, मशरूम की पिक्चर्स को भी कंप्लीट कर लिया है ना। ओके, नाउ कंप्लीटेड द पिक्चर, देन आफ्टर यू फिल द कलर। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको सिर्फ क्या फिल करना है बच्चे, आप यहाँ पे आप बेबी भालू में रेड कलर फिल कर सकते हैं इस प्रकार, है ना। इस प्रकार आप यहाँ पे रेड कलर फिल करेंगे, आप यहाँ उसकी टंग में रेड कलर फिल करेंगे, है ना बेटा। ओके, यहाँ फ्लावर में आप रेड कलर फिल करेंगे बच्चे, और आप अलग अलग फ्लावर में अलग अलग कलर फिल कर सकते हैं। फ्लावर्स भी कई कलर के होते हैं ना बेटा, है ना, रेड, येलो, पिंक होते हैं ना भैया। तो आप क्या करेंगे, अलग अलग कलर के इन फ्लावर्स में फिल कर लेंगे। ओके, और आपको भालू में, बेबी भालू में आपको किस कलर को फिल करना है, पेंसिल कलर, है ना। कौन सा कलर फिल करेंगे बच्चा, पेंसिल कलर। ओके, आप यहाँ पे पिंक कलर फिल कर लीजिए, हाँ, उसके ईयर्स में। उसके बाद हम यहाँ पे पेंसिल कलर फिल करेंगे ऐसे। ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप लाइट और डार्क, पहले लाइट शेड में और फिर उसके बाद थोड़ा सा डार्क शेड में आप उसको पेंसिल से ही फिल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अभी मैंने ये लाइट शेड किया है और उसके बाद आप एक जगह जैसे थोड़ा सा हल्का सा डार्क करेंगे, ये देखिए हुआ ना डार्क। इस प्रकार से आप पूरे भालू में धीरे धीरे करके आप उसको फिल कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी फिल द लीव्स। इसके बाद हम लीव्स को फिल करते हैं ग्रीन कलर से। इस प्रकार आप पूरे पिक्चर्स को आप कलर कर सकते हैं। ओके बेटा, टेक केयर, थैंक यू।